सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। मैं जसप्रीत सिंह, इलैक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर बाबा फरीद ITI कोटसमीर। अज दी वीडियो दे विच आपां वर्कशॉप कैलकुलेशन दा एग्जाम पेपर सॉल्व करांगे। तां इहदे विच अपना पहला क्वेश्चन है, वन मील इज इक्वल टू, इन्होंने पूछा एक मील किन्ने दे बराबर हुंदा है। पहली ऑप्शन अपने कोल 1.821 किलोमीटर, दूजी ऑप्शन अपने कोल 1.609 किलोमीटर, तीजी ऑप्शन है 1.912 किलोमीटर, चौथी ऑप्शन है 1.950 किलोमीटर। इहदा सही आंसर है 1.609। जो एक मील हुंदा है वो 1.609 किलोमीटर के बराबर हुंदा है। अगे अपना दूजा क्वेश्चन है, ब्राउन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ, इहदा मतलब है जो ब्राउन्ज हुंदा है वो किहड़े तत्तां दा मिश्रण हुंदा है, किन्ना तो मिलके ब्राउन्ज बनता है। चार ऑप्शन दित्तियां, कॉपर एंड जिंक, दूजी ऑप्शन है कॉपर एंड लैड, तीजी ऑप्शन है कॉपर एंड मैगनीज, चौथी ऑप्शन है कॉपर एंड टिन। जिहड़ा दा सही आंसर है वह है कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन के मिश्रण तो ब्राउन्ज बनता है। अगे अपना तीजा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन का मतलब है इन्हां चारां दे विचों वो किहड़ा मटीरियल है जां किहड़ा पदार्थ है जो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करदा है जां इलैक्ट्रिसिटी पास कर सकदा है। पहली ऑप्शन अपने कोल ग्रेफाइट, दूजी ऑप्शन है पोर्सलीन, तीजी ऑप्शन है ग्लास, चौथी ऑप्शन है वुड। इहदा सही आंसर आऊगा ग्रेफाइट, ये ऑप्शन अपनी सही है, जो ग्रेफाइट हुंदा वो इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकदा है। अगे अपना क्वेश्चन है चार नंबर ते, इमप्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ 16/3/5 इज, आपां इमप्रॉपर फ्रैक्शन है इहदी आपां इमप्रॉपर फ्रैक्शन करनी है 16/3/5। चार आपां नूं ऑप्शन दित्तियां, तां इहनूं आपां सॉल्व करांगे। आपां नूं दित्ता 16/3/5, इमप्रॉपर फ्रैक्शन दे विच हुंदा है, इत्थे आपां 5 नूं 16 नाल गुणा करांगे, 5 × 16 = 80, 16×5 = 80। अगे आपां जो 80 अपना गुणा करके इत्थे 80 आ गया, उहनूं आपां प्लस कर देंगे 3 नाल, 80 + 3 = 83, तां इहदा आंसर आ जाऊगा 83/5। ऑप्शन दे विच आपां देखदे हां, बी ऑप्शन अपनी 83/5, बी ऑप्शन अपनी सही आजूगी 83/5। अगे अपना अगला क्वेश्चन है, मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, आपां मास ऑफ द बॉडी दसना है भी पर यूनिट वॉल्यूम किन्ना हुंदा है, उहनूं आपां डेंसिटी कहने हैं। इहदी सही ऑप्शन आऊगी, ए ऑप्शन अपनी सही आऊगी, डेंसिटी कहने आपां मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम नूं। इस तों अगे अपना क्वेश्चन है, √21 × √21 इज, आपां दसना है इहदा आंसर किन्ना आऊगा, 21 आपां नूं पहली ऑप्शन है, √12 दूजी ऑप्शन है, √42 तीजी ऑप्शन है, अगे 42 चौथी ऑप्शन है। तो जो अंडर रूट हुंदा है, जे आपां अंडर रूट दे विच्चों कोई भी संख्या कढ़नी होवे, मतलब जे आपां नूं इत्थे 21 × 21 दित्ता है तां उत्थों आपां अपना 21 निकल जूगा, तां इहदे विच वी आपां नूं 2 × 21 है, इह गुणा दे विच है, इसलिए इहनूं आपां 2 मन्नांगे ते 2 दा आपां 1 कढ लांगे इत्थे, तां इहदा जिहड़ा आंसर आऊगा 21 सही आऊगा, ए ऑप्शन है जिहड़ा अपना 21 आंसर वो सही आऊगा। इस तों अगे अपना 7 नंबर ते क्वेश्चन है, √7.29 बराबर, आपां दसना भी जो √7.29 हुंदा है वो किन्ने दे बराबर हुंदा है, तां आपां देखिए जो आपां जे आपां एक टाइम लई आपां पॉइंट नूं भुल जाइए भी इत्थे पॉइंट लग्या, तां इत्थे हैगा 729, तां आपां इह देखणा भी 729 किन्ने दा रूट हुंदा है जां किन्ने दा स्केयर हुंदा है, जिहड़ा वो 729 हुंदा है। जो 27 दा स्केयर हुंदा है, 27 × 27 729 हुंदा है, 7 × 7 = 49, 4 × 7 = 14, 18 × 7 = 14, 1 = 5, 9 =
12 का दूआ लग गया, एक हासिल 729 आंसर आ गया, यानी कि 27 का जिहड़ा स्केयर होंदा उह 729 होंदा। तां आपां इत्थे जे आपां लिखीए इहनूं पॉइंट भुल के आपां 729 नूं 27 गुणा 27 लिख लईए, तां इहदे विच्चों आपां अंडर रूट दे विच्चों 27 कढ लांगे। तां हुण आपां पॉइंट ला दईए, अगों एक अखर छड्ड के पॉइंट लग्गा सी, तां आपां इत्थे भी एक अखर छड्ड के पॉइंट ला दांगे, तो जिहड़ा 2.7 आंसर अपना ए आंसर आउंदा वो सही आंसर है। इस तो अगे अपना 8 नंबर ते क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ द एक्सलरेशन इज, आपां एक्सलरेशन दे यूनिट दसने आ की हुंदे है। ए ऑप्शन अपने कोल न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन है मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है किलोग्राम पर सैकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन है किलोग्राम मीटर। जिहड़ा दा सही आंसर आऊगा बी ऑप्शन अपनी सही है, मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। इस तो अगे अपना 9 नंबर दे क्वेश्चन है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:5 दैन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। आपां आ फाइंड करना, आपां नूं आ चीज़ दित्ती हुई है, ऑप्शन दे विच दित्ता है 2:3 3:5 अगे है 4:5:8 अगे है 8:12:15 अगली ऑप्शन है 9:10:12। आपां सही आंसर कढ़ना है, आपां इहनूं सॉल्व करदे हां। ए रेशो बी आपां नूं दित्ती सी 2:3 अगे सीगी बी रेशो सी दित्ती सी आपां नूं 4:5 ते आपां फाइंड करना सी ए रेशो बी रेशो सी आपां फाइंड करना। तो आपां इत्थे जो बी है इहनूं आपां कॉमन रख लांगे, इस तरह ए रेशो बी तां नीचे बी रेशो सी, बी नूं आपां कॉमन रख लिया, तां ए रेशो ए किन्नी सी अपनी 2, बी किन्नी सी 3, अगे दूजे दे विच अपनी बी किन्नी सी 4 ते अपनी सी किन्नी सी 5। तां इहदे च आपां पहलां फस्ट 5 नूं आपां 3 नाल गुणा करांगे, फिर 4 नूं 3 नाल गुणा करांगे, फिर आह 4 नूं 2 नाल गुणा करांगे। तां इहदे विच अपना फस्ट दे विच 4 नूं 2 नाल गुणा करी 8, ये अपनी 8 आ गई। इस तों अगे 4 नूं आपां 3 नाल गुणा करांगे, 4 नूं 3 नाल गुणा करन ते 12 आ गया। अगे रेशो 5 नूं 3 नाल गुणा करांगे, 5 नूं 3 नाल गुणा करन ते 15 आ गया, अपना आह आंसर आ गया 8:12:15। आपां अगे ऑप्शन दे विच देखदे हां, 3 नंबर ऑप्शन अपनी सी ऑप्शन जिहड़ी सही है 8:12:15। इस तों बाद अपना अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट 60 cm ऑफ 3 meter एज परसेंटेज। आपां नूं टोटल आपां नूं 3 meter दिता होया, उहदे विच्चों आपां 60 cm का परसेंटेज कढ़नी है। जे आपां 3 meter दे विच्चों 60 cm लैंदे हां तां उह किन्ने परसेंट बनता है? तां सब तों पहलां आपां जो इन्हां दे जिहड़े यूनिट है, जिवें आह सेंटीमीटर दे विच आह मीटर दे विच, आपां यूनिट सेम करांगे सब तों पहलां। तां आपां जिहड़े 3 meter दित्ते आपां इन्हां नूं सेंटीमीटर दे विच कन्वर्ट कर लांगे। तां 1 meter दे विच 1 meter बराबर हुंदा 100 cm दे, तां इत्थे 3 meter बराबर होऊगा 300 cm दे। तां अगे आपां नूं 60 cm दित्ता होया इक पार्ट, जे आपां इहनूं वंडीए जिहड़ा 60 हुंदा उह 300 दा 5वां भाग होऊगा, तां आपां 60 नूं 5 नाल गुणा करांगे तां 300 हुंदा, 60 × 5 = 300, यानी कि इहदा 5वां भाग बनदा 60। तां 100 दा परसेंटेज नूं आपां 100 नाल करदे हुंदे हां, टोटल 100 हुंदा, तां आपां 100 नूं 5 ते भाग करांगे तां उह 20 आजूगा। तां इस लई 20% आंसर जिहड़ा तां सही आऊगा, सी ऑप्शन इहदी 20% करैक्ट। इस तों अगे आपां करदे हां, इस तों अगे 11 नंबर ते अपना क्वेश्चन है, द एस आई यूनिट ऑफ वर्क डन इज़,
ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੌਲਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਸਕੇਅਰ ਮੀਟਰ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੌਲ। ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆਉਣਗੇ ਜੌਲ। ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੋਇੰਗ ਵਾਈਂਡ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਵੀਲਸ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਲੋਇੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਟਰ ਇਨ ਐਨ ਓਵਰ ਹੈਡ ਟੈਂਕ। ਕਨੈਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਰਬੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਉੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂ, ਅਤੇ ਉੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਬਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਹੈਡ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਫਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਊਗੀ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਇਨ ਐਨ ਓਵਰਹੈੱਡ ਟੈਂਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਐਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, 4A ਪਲੱਸ 3A ਪਲੱਸ 25B ਪਲੱਸ 2B ਪਲੱਸ ਬੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 14A ਪਲੱਸ 3A ਪਲੱਸ 25B ਪਲੱਸ 2B ਪਲੱਸ ਬੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਏ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, 14 ਅਤੇ 3, 14 ਅਤੇ 3 17 ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 17 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ 25, 25 ਪਲੱਸ 2 27, 27 ਤਾਂ ਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 1 ਹੈ, ਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 1 ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀ ਜਾਂ ਐਕਸ ਜਾਂ ਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 25 ਪਲੱਸ 2 27 ਪਲੱਸ 1 28, ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 28 ਬੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 17A ਪਲੱਸ 28B, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, 17A ਪਲੱਸ 28B। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ 9x ਦੀ 5 yx ਦੀ 3 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9x 5 yx ਵਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਵਾਈ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 9 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, 9 ਐਕਸ ਦੀ 3y, 9x ਦੀ 3y ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 9 ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਐਕਸ ਦੀ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਕਸ ਦੀ 2 ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ 3 ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸ ਦੀ 5 ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ 2 ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਦੀ 1 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਵਾਈ ਦੀ 1 ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ 2 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ, ਵਾਈ ਦੀ 3। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ 9x ਦੀ 3 ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ 1 ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ 9x ਦੀ 3 ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ 1, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਸੋਲਵ 11x ਪਲੱਸ
तीन बाई बराबर पचास दे अठ एक्स प्लस तीन बाई बराबर अठत्ती है। आप सॉल्व करना, सॉल्व का मतलब ये आपको एक्स से वाई दिता है, आप एक्स से वाई की वैल्यू पता करनी है, एक्स से वाई का मुल पता करना। अपन ऑप्शन दिखाई, पहली ऑप्शन है चार ते माइनस दो, दूजी ऑप्शन है चार ते दो, तीजी ऑप्शन है माइनस चार ते दो, चौथी ऑप्शन है माइनस चार ते माइनस दो। तो आप इन सॉल्व करते हैं, आप दोनों इक्वेशन लिख लें। पहली इक्वेशन अपनी ग्यारह एक्स प्लस तीन वाई बराबर पचास दे दिता है। दूजी इक्वेशन दी अपन एक्स अठ एक्स प्लस तीन वाई बराबर अठत्ती है। इनू आप इक्वेशन नंबर एक मान लें, इनू आप इक्वेशन नंबर दो मान लें। तो सब तो पहला जी आप इक्वेशन वन के बिच इक्वेशन टू माइनस करते हैं, तो आप इतने लिखते हैं इक्वेशन वन के बिचों इक्वेशन टू घटाते, तो आप इन्हों सबट्रैक्ट करते हैं, इन्हों घटाने आप इक्वेशन वन लिख दें उपर, आप ग्यारह एक्स प्लस थ्री वाई बराबर पचास थले, आप नीचे लिख लेंगे अठ एक्स प्लस थ्री वाई बराबर अठत्ती। तो जो आप घटाने होंने जे आप इनू ऐड करना हो साइन सेम रहेंगे, जे आप यदि घटाओ करनी हो तो जो नीचे वाली इक्वेशन होंगी वो साइन चेंज हो जाते होंगे, जिमें इतने अठ एक्स का दे प्लस दे इतने माइनस दे हो जाएंगे, इतने थ्री वाई प्लस दे है वह भी इतने माइनस दे हो जाएंगे, इतने अठत्ती प्लस दे है वह भी इतने माइनस दे हो जाएंगे। तो इतने आप ग्यारह एक्स माइनस अठ एक्स करिए कि रह जूगा तीन एक्स, तो अगर आप तीन वाई चो जो तीन वाई घटाइए तो वह जीरो रह जूगा, तो करके आ प्लस के तीन वाई आ माइनस के तीन वाई, इसलिए यह कट्टे जाएंगे। तो इस तो अगे है प्लस के पचास तो माइनस के अठत्ती, पचास चो अठत्ती घटाए बारह, तीन एक्स बराबर बारह आ गया। एक्स इतने गुणा चाह जे आप इनू बराबर तो उधर लेके जावे तो यह भाग च जाऊगा, तीन बराबर एक्स बराबर बारह बटा तीन, तो इनू कट के चार आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी हैगी चार, तो आप एक्स अपने को चार आ गया। तो हुण आपां वाई पता करना है, तो आप एक्स का मुल भर देंगे आ दो दोवें इक्वेशनां दे विचों किसी दे भी विच एक्स का आप मुल भर देंगे। आप इक्वेशन दो दे विच एक्स का मुल भरते हैं, आप इत्थे लिखते हैं इक्वेशन दो दे विच एक्स का मुल भरन ते। तो अपनी दूजी इक्वेशन कि है, आप इक्वेशन लिखांगे उत्थे अठ एक्स प्लस तीन वाई बराबर अठत्ती, ये एक्स की थान आप चार भर देंगे, एक्स का मुल अठ गुणा चार प्लस तीन वाई बराबर अठत्ती, अठ गुणा चार अठ चौका बत्ती प्लस तीन वाई बराबर अठत्ती, इतने बत्ती प्लस दे है तो जो बत्ती आप बराबर दे दूजी साइड लेके जावे तो वह माइनस दे हो जाएंगे, तीन वाई बराबर अठत्ती माइनस बत्ती, इतने बत्ती प्लस दे इधर आके बत्ती माइनस दे हो गए, तो आप अठत्ती चो जो बत्ती घटावे तो उत्थे छे रह जूगा, इसलिए तीन वाई बराबर छे आ गया। आप वाई का मुल पता करना है, तो इतने तीन वाई नाल गुणा दे विच है, तो जे आप इनू दूजी साइड लेके जावे तो वह भाग दे विच आऊगा, वाई बराबर छे वटा तीन, तीन इतने गुणा सी तो बराबर तो जो आप इधर लेके आवेंगे भाग च आ गया, ये कट्टे गए तो दो आ गया, बई का मुल दो आ गया, बई बराबर दो, एक्स का मुल अपने को चार आ गया तो बई का मुल अपने को दो आ गया। तो आप ऑप्शन के बच्चे देखते हैं, दूजी ऑप्शन सी अपनी सही है, जी दूजी ऑप्शन चार तो दो, एक्स का मुल चार तो बई का मुल दो है। तो इस तो अगर अपना क्वेश्चन है एन इक्वेटर ट्राइंगल हैज़ ईच ऑफ इट्स साइड 60 mm लोंग, फाइंड इट्स एरिया। आप एरिया पता करना है इक्वेटर ट्राइंगल का, तो अपन साइड दिती हुई है अपन 60 mm, तो जिहड़ा इहदा फार्मूला हुंदा आपां इहनूं सॉल्व करदे हां, इत्थे
एरिया होंगे यदा अंडर रूट 3/4 तो ए दी स्केयर ये फार्मूला होंगे इक्वलेटर ट्रैंगल द एरिए का फार्मूला होंगे तो आप ये वैल्यू भर देंगे फार्मूले दे ए बराबर अंडर रूट 3/4 एनू आप साइड कहने ए बराबर साइड छोटी एनू तो अपन साइड कितनी दी हुई थी 60 mm गुणा 60 mm इतने अपने को स्केयर है अंडर रूट 3/4 आप उम्मीद लिख लाँगे गुणा जे आप 60 का स्केयर करते हैं 3600 आता है आप इतने 60 का स्केयर करता तो 3800 आ गया 3600 आ गया तो इस तो अगर अपना 3/4 जो 4 तो आप डिवाइड कर देंगे इनू 3600 आप 4 कट के इतने आ गया अपना 900 3600 आप 4 कटता अपने को अगे बाकी 900 रह गया तो पिछे की रह गया अंडर रूट 3/900 अंडर रूट 3 की वैल्यू होंगी है फिक्स वैल्यू होंगी अंडर रूट 3 की 1.732 अंडर रूट 3 की वैल्यू होंगी है तो आप इतने अंडर रूट 3 की वैल्यू भर देंगे 1.732 गुणा 900 इन दोनों गुणा करने आता 1558.8 1558.8 आंसर आऊगा यदा एरिया तो ऑप्शन के देखते हैं ऑप्शन के 1558.8 mm स्क्वायर तीजी ऑप्शन अपनी जी सही आऊगी तो इस तो अगर आप क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर पर 104 degree फारनहीट बराबर अगर आपको सैलसीयस के ऑप्शन दिती हैं तो इतने आप फारनहीट दिता आप 104 degree उन्होंने आप सैलसीयस के देखना है भी 104 degree फारनहीट सैलसीयस के कितना होगा तो आप इहदा फार्मूला लिखते हैं इहदा फार्मूला C/5 बराबर F-32/9 ये फार्मूला होंदा किसी भी फारनहीट या सैलसीयस को कन्वर्ट करने का तो इतने आप फारनहीट दिता हुआ आप इतने फारनहीट की वैल्यू भर देंगे C/5 बराबर फारनहीट कि अपने को 104-32/9 104-32 C/5 आप उम्मीद लिख लाँगे बराबर 104-32 होंगे 72 104 घटा के 72 रह गया 9 तो आप 9 तो 72 कट देंगे 8 ना 72 होंगे तो इतने 8 रह गया पिछे की रह गया अपने को C/5 बराबर 8 तो जो 5 है इनू आप इतने 8 ना गुणा कर देंगे 8×5=40 इसलिए सी बराबर 40 degree सैलसीयस अपना 40 degree होंगे तो आंसर देखते हैं आप बी ऑप्शन अपनी सही है 40 degree पहली ऑप्शन 55 सी दूजी ऑप्शन 40 तीजी 60 चौथी 48 degree सी बी ऑप्शन अपनी सही है 40 degree 104 degree फारनहीट बराबर होंगे 40 degree सैलसीयस के